दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। आज 9 जून 2021 को एक रिजल्ट का वो आंकड़ा आपको मैं समर्पित करने जा रहा हूं जो नाथ जी और गुरुदेव के आशीर्वाद से, अभिभावकों के विश्वास से, टीम सीएलसी की मेहनत से, मेरे बच्चों का संस्था के प्रति विश्वास से, मेरे वार्डन की मेहनत से या उस हर व्यक्ति की मेहनत से, हजारों हजारों लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, हजारों लोगों की दुआओं से हम लोग बना पाए एक शानदार परिणाम, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। शब्दों का कोई भी प्रयोग करूं बट ये कह सकता हूं सीकर की धरती पे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो रिजल्ट आपकी सीएलसी ने दिया। क्या मात्र सेशन 2 1920 में 1725 बेटे बेटियों को गवर्नमेंट एमबीबीएस, आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश दिलाने में सफल रही आपकी टीम सीएलसी, आपकी सीएलसी। इनमें 1413 बच्चा गवर्नमेंट एमबीबीएस पे है, 312 बच्चा दोस्तों आईआईटी एनआईटी में है, 13% सक्सेस रेट मेडिकल की, यानी आप देखो हर 7 में 8 में से एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है। करीब 28% सक्सेस रेट हमारी आईआईटी एनआईटी की, यानी आप देखें कि हर 4 में से 1 बच्चा औसतन आईआईटी या एनआईटी में जा रहा है। माफी चाहता हूं, मैं यहां अन्य किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, एक बीटेक की या आयुर्वेद की या वेटरनरी की या होम्योपैथी की, आईसीआर की, यदि मैं कुल सफलता की बात करूं तो दोस्तों ऑलमोस्ट 50% बच्चा सीएलसी में पढ़ा हुआ किसी ना किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, यह मैं विश्वास से कह सकता हूं। गार्जियन पूरे उत्तरी भारत का विश्वास सीएलसी के साथ है। यह 1725 बच्चा सिलेक्ट जो हुआ है यह हिंदुस्तान के 20 स्टेट का बच्चा है, राजस्थान का 1382, हरियाणा का 152, उत्तर प्रदेश 72, बिहार 52, मध्य प्रदेश 21, दिल्ली 12, इस तरह चलते चलते 20 स्टेट का बच्चा सीएलसी में पढ़ता है, चाहे क्लासरूम से पढ़े, चाहे टेस्ट सीरीज से पढ़े, चाहे डीएलपी से पढ़े। ये सीकर के लिए गर्व की बात है, जिस एक छोटा से कस्बे की पहचान थी कुछ सालों पहले, आज भी सीकर मेरा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन सीएलसी के विचार बीज ने, टीम सीएलसी की मेहनत ने सीकर को उत्तरी भारत के नक्शे पे पहचान दिलाने में सफलता में यज्ञ में मूल आहुति दी टीम सीएलसी ने, सीएलसीएंस ने। गार्जियन आपके अपने सीएलसी आईआईटी और मेडिकल दोनों की बिल्कुल एक अच्छी तैयारी करवाती है, मतलब दोनों परफेक्ट है। मेरा बेटा साहिल पूरा आईटी विंग देखता है, मैं मेडिकल विंग देखता हूं, ओवरऑल मुझे देखना होता ही है, और मुझे इस बात को कहने में कोई साहब वो संकोच भी नहीं है। कोटा की जो बड़ी मंडी है उसके बाद पूरे उत्तरी भारत में इससे अच्छा रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट तो खैर कोटा से बहुत बेटर हम सीएलसी का मानते हैं, ये नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, और ये खुद थोड़ा आप भी जज करें। कुछ लोग इस मार्केटिंग के जमाने में कांच के टुकड़ों को हीरा बना के धूप में चमका के बेच देते हैं। दोस्तों कई बार गार्जियन दिग्भ्रमित भी होते हैं, गलत संस्था का चुनाव भी कर लेते हैं, फिर बड़े पछताते हैं। एक और गहरी बात कहता हूं, 100% सक्सेस रेट मेरे यहां भी नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारा यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का हॉस्टल, यहाँ का कैंप, यहाँ की केयर, यहाँ की असेंबली, यहाँ का मोटिवेशन बाकी बचे बच्चे को भी जिंदगी जीना सिखा देता है। मैं नहीं कहता हूँ साहब, हजारों हजारों मेरे वो गार्जियंस मेरे बच्चे कह देते हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उसे जुड़े। गार्जियन आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजना है तो आप विश्वास कर सकते हैं अपने श्रवण पे। एकमात्र संस्था डायरेक्टर है जो खुद आके कमिटमेंट करता है, खुद आके विश्वास दिलाता है। मैं क्या करूंगा इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं कि मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से ज्यादा बेटर करने का हम लोग काम करते हैं। मैं इतना जानता हूं कि मैंने कल क्या किया मुझे नहीं पता, वो आपके सामने अच्छा किया कि नहीं किया, पर मेरा आने वाला कल मैं मेरे हमेशा बीते हुए कल से बेटर रखता हूं। इसीलिए 25 साल से साफ सिस्टम जिंदा है, और मैं यदि कहूं 25 साल से पूरे उत्तरी भारत में जिंदा रहने वाली शायद 1 या 2 कोचिंग है, बढ़ती हुई कोचिंग, रिजल्ट को बढ़ाती हुई कोचिंग, अपने आप को निरंतरता से क्रीज पे टिकाए हुए कोचिंग, वो आपकी सीएलसी है। सीकर में हमारे खुद के अपने स्कूल है, बीआर स्कूल हमारा सीबीएसई का है, केवी राजस्थान बोर्ड का है, आईआईटी मेडिकल दोनों की प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, रिजल्ट दोनों के आपके सामने है। मैं एक अपील करना चाहूंगा, खुद के हॉस्टल, खुद की मैस, खुद की केयरिंग, मेरा खुद का बेटा जो खुद एनआईटी पास आउट है, हम दोनों बाप बेटे एक अच्छी टीम, एक श्रेष्ठ टीम के साथ इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। मेरे पूरे परिवार का एक ही लक्ष्य है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है मेरी बात आज आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन 96 में एक दर्द पाल के सील शुरू हुई थी। दर्द क्या था? सीएलसी का सपना
हर गांव से डॉक्टर इन्हें बने अपना, उस दर्द की देन है कि आज 1725 में से करीब 1500 बच्चा वो होगा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है या सामान्य परिवारों से है। दोस्तों ये जिंदगी में बड़ी सफलता मानते हैं हम लोग। हरियाणा स्टेट के लोगों में विशेष आभारी हूँ, हरियाणा के लोगों को मन से सलूट करता हूँ, उन्होंने विश्वास किया मेरे पे। आज के 5 साल पहले हरियाणा से कुछ बच्चे आना स्टार्ट हुए थे, पिछले 2 साल में एक बड़ी संख्या हमारे पास आई, तो बड़ा रिजल्ट हमने दिया। दोस्तों 152 बेटे बेटियों को, हरियाणा स्टेट के बेटे बेटियों को हमने मेडिकल और आईटी भेजा, जिसमें 130 डॉक्टर बनाए, 22 बच्चे आईटी और आईटी भेजे। 10 जून को हम एक विज्ञापन पब्लिश कर रहे हैं अखबार में, 5 पेज का विज्ञापन है जिसमें मात्र हम 30-40% फोटो पब्लिश कर पा रहे हैं। यदि आपको इन 1725 बच्चों की पूरी कुंडली, मेरी भाषा में पूरा विवरण देखना है कहाँ का है, कौन सी कॉलेज में है, तो clcparivar.in मेरी वेबसाइट है, वहां जाएं, वहां पूरा डिटेल पड़ा है। क्योंकि दोस्तों 1725 बच्चों की फोटो अखबार में छापने के लिए करीब करीब 13-14 पेज का विज्ञापन होता है, इतने पेज अखबार में पब्लिश होना आर्थिक भी संभव नहीं है और तकनीकी भी संभव नहीं है। मैं अंत में इस घर के मुखिया के नाते, सीएलसी के मुखिया के नाते, मेरे सब अपनों को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाला कल सीएलसी का और बेहतर होगा। आने वाला हर सूर्य एक नई जोश, नए विश्वास, नई उम्मीद के साथ हम लोग जिएंगे। आज मैं ये भी कहता हूं इस एट प्रेजेंट सीएलसी में पिछले 25 साल की आज तक की सबसे बढ़िया टीम है। पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छे लोग सीएलसी के साथ जुड़े, तो खुशबू फैलती है तो अच्छे बच्चे भी जुड़ते हैं, अच्छे गार्जियन भी जुड़ते हैं और अच्छी टीम के लोग भी जुड़ते हैं। खुशबू दोस्तों सब जो खुशबू फैलाती है, एक बहुत प्यारी टीम खुद के हॉस्टल के साथ, मेरा वार्डन भी क्यों ना हो, वो भी जीता बच्चे के लिए है, उसी की देन तो है यार कि एक आसाम से फरवीस बेगू नाम का बच्चा चला के आता है, बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहता है और 12वीं के साथ एम्स दिल्ली पहुंच जाता है। ओके डियर, बातें बहुत की जा सकती हैं, बात को समाप्ति को लेके जा रहा हूं। एक तो मैं रोज सीएलसी सीकर फेसबुक पेज और सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे ठीक 6:30 बजे रोज लाइव आता हूं, वो आपको देखना चाहिए। आपके अपने सीएलसी हर मंडे को, आज मैं बात कर रहा हूं 9 जून 2021 को, हर मंडे को आईटी के, मेडिकल के, 11th के, 12th के, टारगेट के सारे बैचेस स्टार्ट करती। अभी बैच ऑनलाइन है, आप पूरी साल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, या आप जब ऑफलाइन की सरकार अप्रूवल दे देती है तो ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का भी मेरा स्कूल का एक शानदार प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। आपको स्कूलिंग करनी है 6 से लेकर 12 तक, अभी 1 से 5 तक नहीं दे रहे ऑनलाइन हम लोग, 6 से लेकर 12 तक क्लास भी ऑनलाइन लेनी है तो आप मेरे स्कूल से जुड़ सकते हैं, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, टारगेट से जुड़ सकते हैं। हर मंडे को आपकी संस्था नए बैच स्टार्ट करती है। इस साल एक और दूसरी समस्या का सामना कर रहे हैं हम, बोर्ड के परसेंटेज के आधार पर स्कॉलरशिप देते थे पहले, इस बार बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए तो आधार क्या स्कॉलरशिप का। दोस्तों हर थर्सडे को, हर गुरुवार को, बृहस्पतिवार को, थर्सडे को दोपहर 10 से 12 आपके अपने सीएलसी एक कास्ट का एग्जाम कराती है। कास्ट का मतलब सीएलसी एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो आप ऑनलाइन दें, ई कास्ट है ये एग्जाम, ऑनलाइन है, आप इससे दे सकते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला था, खुला है, खुला रहेगा। झोंपड़ी बैठी खोपड़ी, गुदड़ी के लाल कभी निराश नहीं हो, आए अपने सीएलसी, पहले भी उनका उंगली पकड़ के उनको मंजिल से पहुंचाया है, आज भी वो वादा खुद के साथ है कि ऐसे किसी बच्चे को मेडिकल कॉलेज या आईटी में जाने से वंचित नहीं होने देंगे केवल धन के अभाव में। यही तो सीएलसी का ध्येय रहा दोस्तों शुरू से। ओके डियर, तो मेरी बात को समाप्त करूं, आपके अपने सीएलसी सेशन 2021 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शानदार काम कर रहा है। और एक बात और कह देता हूं, इस वीडियो को अभी आप सुन रहे हैं महीने दो महीने में, तो दोस्तों गुरुनीति के नाम के हमने 180 वीडियो दे रखे यूट्यूब पे, नीट के लिए 100 वीडियो, जेई के लिए प्रीवियस पेपर के टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन हमारे सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पड़े हैं। यदि आप 2021 के स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहे हैं तो बेटा जी सीएलसी सीकर का यूट्यूब चैनल बहुत शानदार है, नीट और जेई का कोई बच्चा सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वो मैटर है जिसको अपन लड्डू कह सकते हैं, प्रसाद कह सकते हैं, हलवा कह सकते हैं। ओके डियर, फिर से श्रवण खुद से अपने आप से वादा करते हुए मेरे आने वाले कल को आज से बेहतर बनाने के लिए मैं और बेहतर प्रयास करूंगा, बस इसी विश्वास के साथ आपके इंतजार में, आपके अच्छे भविष्य के इंतजार में, आपको मंजिल तक पहुंचाने के इंतजार में, आपके अपने सीएलसी। थैंक यू, जय सीएलसी।